आज की वीडियो में हम आपको मोक्स CBD ड्राई सिरप के बारे में जानकारी देंगे, जिसका इस्तेमाल छोटे बच्चों में किया जाता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इस सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसके यूजेज के बारे में, इसको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको मोक्स CBD ड्राई सिरप के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो इसकी मार्केट प्राइस 60 रुपये है और यह 4.02 ग्राम 30 ml की पैकिंग में आता है और समय के साथ साथ इसकी मार्केट प्राइस कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो इसमें एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोलानेट होता है। इसके प्रत्येक 5 ml में एमॉक्सिसिलिन जो कि 200 mg होता है और पोटेशियम क्लोलानेट जो कि 28.5 mg में होता है। और आइए जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में। मोक्स CBD ड्राई सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो यह एक एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह पेनिसिलिन ग्रुप की दवा है। तो इसके यूजेज की बात करें तो इसका इस्तेमाल अगर बच्चे के गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, गले में खराश हो, खांसी आ रही हो, टॉन्सिल की समस्या हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, कान के मध्य भाग में सूजन या दर्द हो, फुंसी हो गई हो, तो उसे भी ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल RTI यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी किया जाता है। वाई नली या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो, निमोनिया या ब्रोंकाइटिस की समस्या हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दांतों या मसूड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। त्वचा में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए हों, खुजली हो रही हो, दाने निकल गए हों, लाल चकत्ते हो गए हों, या सूजन या लालीपन हो गया हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब से संबंधित समस्याएं, पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब होना, इसके अलावा पेशाब करते समय दर्द महसूस होना या पेशाब नली में इन्फेक्शन हो जाना, तो इन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दांतों या मसूड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो या हड्डियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चोट लग गया हो, कहीं पे ब्लीडिंग हो रहा हो या फोड़ा फुंसी हो गया हो या त्वचा कहीं पे कट गई हो, तो इन सबको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल टाइफाइड फीवर में भी किया जाता है। तो ये सब इसके मुख्य यूजेज हैं। इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल कई अन्य प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। मोक्स CBD सिरप को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस सिरप का जो डोज होता है बच्चे के एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है। इसके नॉर्मल डोज की बात किया जाए तो इसको 40 से 50 mg पर kg पर डे बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। अगर कोई बच्चा हो जिसका वजन 10 किलो है तो उसको 5 ml सुबह और 5 ml शाम दिया जा सकता है। तो इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लें, तभी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है और समस्या के ऊपर निर्भर करता है कितने दिन इस्तेमाल करना है। और आइए जान लेते हैं मोक्स CBD ड्राई सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट जी मचलाना, उल्टी होना, इसके अलावा पेट में दर्द होना, इसके अलावा पेट में गैस बन सकता है, दस्त की समस्या हो सकती है और इसके अलावा इसमें मौजूद कंटेंट से अगर एलर्जी है तो एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, शरीर में खुजली हो सकती है, दाने निकल सकते हैं, लाल चकत्ते हो सकते हैं। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि सभी बच्चों को नहीं होते हैं, किसी किसी को हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी मोक्स CBD ड्राई सिरप के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।